आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक हेल्दी स्वीट डिश की रेसिपी, जो है शकरकंद की खीर। आप इसको व्रत या उपवास में भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शकरकंद की खीर बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 400 ग्राम शकरकंद, जिसको मैंने 1.5 कप पानी डालकर उबाल लिया है। और जब आप शकरकंद उबालें, आप पानी थोड़ा रखें और इसको हम ओवर कुक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको ओवर कुक किया तो ये सही से कद्दूकस नहीं होंगे, और अगर ये सही से कद्दूकस नहीं हुए तो इनका रेशा या जो इसमें धागे होते हैं वो सही से नहीं निकलेंगे, वो खीर में आएंगे और इससे खीर अच्छी नहीं बनेगी। और इसी में डालने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसमें थोड़ी सी मैंने ली है चिरौंजी, थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से कटे हुए बादाम, और 1 कप मैंने लिया है 200 ग्राम शुगर। अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं तो शुगर आप बढ़ा सकते हैं, और अगर आप कम खाते हैं तो शुगर आप कम भी कर सकते हैं। और 150 ग्राम लिया है मैंने खोया, 8 से 10 छोटी इलायची का पाउडर, थोड़ा सा नारियल का बुरादा, और 1 टीस्पून लिया है देसी घी, और 1.5 लीटर यहाँ मैंने लिया है खीर बनाने के लिए दूध। तो सबसे पहले हम खीर बनाने के लिए दूध उबलने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ गैस ऑन करेंगे और दूध में उबाल आने तक इसको पकाएंगे। तो देखिए दूध में यहाँ उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी और थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ा सा मैं अभी यूज कर रही हूँ, और थोड़ा सा हम गार्निश के टाइम इसमें यूज करेंगे, और इसको हम थोड़ा सा चला देंगे। और इसी टाइम हम इसमें डालेंगे खोया, ताकि खोया अच्छे से मेल्ट हो जाए, और इसको हम अच्छे से चलाएंगे। और यहाँ हम इसको हल्की आंच पर पकने देते हैं, ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और इतने हम जो हमने नारियल का बुरादा लिया है उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम गैस ऑन करेंगे और इस पैन रखेंगे। ड्राई रोस्ट करने से इसका थोड़ा सा कच्चापन भी निकल जाएगा, और इससे खीर में टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो यहाँ हम इसको 1 मिनट के लिए हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए ये हल्का सा ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और गैस यहाँ पर हम ऑफ कर देंगे। अब हम यहाँ पे दोबारा गैस ऑन करेंगे और इस पे पैन रख देंगे, और अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून देसी घी, और इसको हल्का सा मेल्ट होने देंगे। तो देखिए घी यहाँ पर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बादाम, थोड़े से मैं अभी डाल रही हूँ, और थोड़े से हम गार्निश के टाइम में यूज करेंगे। तो इसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और इसी में हम चिरौंजी भी डाल देंगे और किशमिश भी डाल देंगे, और इसको हम 1 मिनट तक लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट कर डालने से खीर में टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो देखिए यहाँ ये रोस्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर गैस ऑफ कर देंगे और इसको भी हम प्लेट में निकाल देंगे, और यहाँ हम इसको खीर को चलाएंगे। आप चाहें तो फ्लेम इसकी हाई भी कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए जब आप फ्लेम इसकी हाई रखें तो इसको आप लगातार चलाते रहें, नहीं तो खोया नीचे लग सकता है। और इसको हम लो फ्लेम पर थोड़ी सी देर के लिए पकने देते हैं। तो देखिए दूध 5 मिनट तक पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट किए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसी में डालेंगे हम शकरकंद जो हमने कद्दूकस की थी, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। तो यहाँ हम इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, और बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे। तो देखिए यहाँ खीर हल्की सी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक पकाया है, तो अभी ये थोड़ी सी पतली है, तो इसको हम अभी गाढ़ा होने तक लो मीडियम फ्लेम पर और पकाएंगे। तो देखिए यहाँ खीर गाढ़ी होना शुरू हो गई है, और इसकी पहचान ये है कि ये चमचे पे हल्का सा लगना शुरू हो गई है। तो अब हम यहाँ पर गैस ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ा गाढ़ी हो जाती है। अगर आप इसको लो फ्लेम पर बना रहे हैं तो ये 40 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी, और अगर आप इसको हाई फ्लेम पर बना रहे हैं तो ये 30 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। और अगर आप थोड़ी पतली खीर पसंद करते हैं तो इसको कम भी पका सकते हैं। तो यहाँ हम इसको ढककर रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद हम इसको बाउल में सर्व करेंगे। तो यहाँ खीर को मैंने आधा घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब इसको हम हल्का सा चलाएंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको बॉल में निकाल लिया है, और इसको मैं सर्व करूंगी ड्राई फ्रूट से। आप अपना मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें यूज कर सकती हैं। और इसमें मैं डालूंगी इलायची पाउडर जो मैंने बचा के रखा हुआ था। इसको चाहे तो आप अभी भी सर्व कर सकते हैं, और चाहे तो फ्रिज में ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए शकरकंद की खीर बनकर तैयार है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।